और बलूचिस्तान जो है ये भी तकरीबन 120-130 लीटर पीते हैं। वजह ये कि सिंधी चाय ज़्यादा पीते हैं, बलोच कावा, ये पठान कावा पीते हैं, तो उनका वो मिल्क। सो हमारे कल्चर का पार्ट है ये दूध, चाय, चाय के साथ हम दूध पीते हैं। तो ये 200 लीटर ये है हमारे यहाँ इस वक्त, मतलब जस्ट पंजाब आप गौर करें कि एवरेज हम 200 लीटर दूध पीते हैं। 100 रुपये लीटर आता है, 20,000 रुपये का एक बंदा साल में दूध पीता है। हम 6,500 रुपये का आटा खाते हैं, हम सारा दिन आटे की बात करते हैं, मीडिया भी सारा दिन आटे की बात करता है। 6,500 का पर कैपिटा साल में आटा खाते हैं हम, और हम 20,000 का दूध पीते हैं। हर रोज़ सुबह में जाली मिलता है, हर रोज़ सुबह में महंगा मिलता है, दुनिया पूरी में सबसे महंगा दूध हमारे पास है, महंगा मिलता है, जाली मिलता है, और हम उसकी जिक्र नहीं करते। सो हम चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना या गौर नहीं करते। सो हमने टोटल आप कह लें कि फूड के सेक्टर को ले कर पूरा उसका आप कह लें कि एनालिसिस करके उसके मुताबिक हमने फिर देखा कि हमारे पास वसाइल क्या है। वसाइल में सर हमारे पास 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है, टोटल ज़मीन हमारे पास 22 करोड़ एकड़ है। हमारे पास पानी 138 मिलियन एकड़ है, एकड़ फिट है, और हम 13 सर्व करते हैं। सो हमने तय किया कि हम इस मुल्क को पूरे के पूरे को ग्रीनीफाई करेंगे। जहाँ कहीं पौधा उग ना सके, जानवर रह ना सके, इंसान सर्वाइव ना करे, उसको छोड़ के बाकी तमाम ज़मीन पे हम फसल उगाएंगे, बाग उगाएंगे, हम जंगल लगाएंगे, हम चरागाह बनाएंगे, हम मछली फार्म बनाएंगे, हम पाम ट्रीज लगाएंगे, हम वहाँ पे कोई ना कोई उस इलाके के हिसाब से सूटेबल पौधा जब लगाएंगे। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। एक एक कतरा पानी, एक एक कतरा, एक एक इंच ज़मीन। उसमें हमने जो अभी मैपिंग की है प्लांट, मतलब हमने पूरे पाकिस्तान की मैपिंग करके यहाँ आए हैं। मैपिंग में इस वक्त जो एडिबल ऑयल कई साल से हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमारे पास सर 1 करोड़ एकड़ है जिसपे जैतून के दरख्त लगाए जा सकते हैं जो हाईली सूटेबल हैं। उसमें 25 ज़िले बलूचिस्तान के हैं, उसमें 6-7 ज़िले आपके केपी के हैं, 4 ज़िले आपके पोठोवार के हैं, बाकी उसका जीबी है सारा, आपका कश्मीर है सारा। जहाँ जहाँ ऑलिव लग सकता है 2.5 लाख एकड़ पर एकड़ ये इनकम देता है, दुनिया का सबसे अच्छा मतलब आप सुपर फूड में आता है ये, ठीक है। हमारे पास को 1,58,000 एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसमें चाय होती है। हम सदियों से चाय इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हम अदरक सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम लेके आए हैं इस पर क्या नाम है ये जो टिश्यू कल्चर बीज अपने लोकल तैयार कर रहे हैं, उसका केले का टिश्यू कल्चर हमने लोकल तैयार किया। इसकी जानवरों की नस्ल, हमारी गाय 4.9 करोड़ गाय दूध थोड़ा देती है, दुनिया में दूध देती है गाय को 9,000 से 10,000, हम देते हैं, हमारी गाय देती है 1500 लीटर दूध देती है। अब 1500 लीटर वाली को आप 10,000 वाली से लेके आपका पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट है। 3 करोड़ लोग जानवर पालते हैं, 3 करोड़ जानवर लोग, अच्छा अब आपकी गाय उतना ही चारा खाए, उतना ही पानी पिए और दूध थोड़ा दे, तो ना 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 पैदा करने वाले को कोई फ़ायदा, लेने वाले को महंगा मिलता है, लेने वाले को महंगा मिलता है, पैदा करने वाले को पैसे नहीं बचते, इकानमी में उसकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाती है या माइनस हो जाती है। सो हमने एक एक जो एक जिसे कहते हैं एक एक कोना, एक एक जो एवेन्यू है इसका फूड का, एक एक एवेन्यू जो है या एक एक इंच ज़मीन का, उसको सबको इकट्ठा करके तो हमने फैसला किया कि हमने करना क्या इस मुल्क में। सो आप लोगों से जो गुजारिश है, हम करने क्या जा रहे हैं, टारगेट हमारा क्या है वो सुन लें, और उसमें जो आपसे हम मदद मांगेंगे वो फिर आपको लॉजिकल लगेगी कि हम आपसे मदद क्या मांग रहे हैं या आपको दावत क्या दे रहे हैं। हमारे पास सर इस वक्त खुराक की सूरत देखें तो हमने फैसला किया है कि 7 ईयर में हम दुनिया में जो गरीब और अमीर मिलके जो एवरेज खुराक खाते हैं हम उसके बराबर आएंगे। इस वक्त हम 38% पीछे हैं। एक हमने ये करना है कि 38% का गैप फिल करना है, नंबर एक। नंबर दो है कि हम $8 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं। ये $8 अरब की इंपोर्ट को ख़त्म करके हमने नेट एक्सपोर्टर बनना है। थोड़ा बने या ज़्यादा बने, 7 साल में हमने एक्सपोर्टर बनना है। दो बातें हो गई। तीसरा, 7 साल में आपकी आबादी बढ़ जाएगी को 18.5%। 18.5% आबादी है, उसके लिए आपने फूड पूरी करनी है। इन तीनों फिगर्स को अगर $8 अरब को और 18% को और 38% को इकट्ठा करें तो इट्स अराउंड 70%। सो हमारे पास टारगेट चैलेंज ये है कि 7 सालों में 70% हमने खुराक ज़्यादा पैदा करनी है। ये शुरू में 4-5% पर हम ग्रो करेंगे, और जो इस वक्त चीज़ें हम लगा रहे हैं जब ये फल देना शुरू करेंगी तो हम चले जाएंगे क्योंकि 10-11% एनुअल ग्रोथ पे। और इतनी बड़ी जब आपने खुराक पैदा करनी है तो उस खुराक को स्टोर करना है आपने, उस खुराक को हमने प्रोसेस करना है, उस खुराक को सारा साल आपने अवेलेबल रखना है, उस खुराक को आपने सारे साल के लिए इंडस्ट्री के लिए मटेरियल तैयार करना है, रॉ मटेरियल तैयार करना है, और फिर आपने अपने लोगों के लिए तैयार करना है।
फीड की बात कर लें, फीड इस वक्त बहुत बड़ी, आप कह लें कि आपका बड़ा प्रॉमिसिंग फील्ड है इस वक्त, आप कह लें कि सेक्टर जो है फीड के वाले से, मतलब सिंपल एक आप अंडरस्टैंड करें कि फ्यूचर होगा क्या, कि दुनिया में जो गोश्त है 36% गोश्त पोर्क का आता है, 36% इज़ फ्राम पोर्क, 35% फ्राम पोल्ट्री, और बाकी 29% बाकी सारे गोश्त मिल के आते हैं।